वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली इजी मसाला चाउमीन का रिव्यू। ये चाउमीन हम बहुत पहले से खाते आए हैं तो सोचा इसका रिव्यू किया जाए, बट फ्रेंड्स इससे मैं थोड़ी नाखुश हूँ क्योंकि पहले जो हम इजी चाउमीन खाया करते थे वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता था और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था जब वो हम बनाते थे, यू फिनिश हो जाता था। ये नूडल्स के इन्ग्रीडियंट्स वो सुपर फाइन व्हीट फ्लावर एंड सॉल्ट। सो ये जो है गेहूं के आटा से लगभग बना हुआ, इसलिए इसका जो टेस्ट है मुझे उतना पसंद नहीं है क्योंकि दोस्त हम मैदे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ नूडल्स एंड ऑल। तो इसलिए जो पहले वाला नूडल्स था वो आई थिंक मैदा का बना होता था, इसलिए वो ज़्यादा टेस्टियर होता था कंपेरेटिवली दिस, क्योंकि ये गेहूं का बना हुआ और बहुत टाइम लेता है ये कुक होने में। पहले का चाउमीन क्या होता था, मैगी के जैसे 2 नहीं तो 3 मिनट्स में वो कुक हो जाता था, बट इसे लगभग आपको 10 मिनट तक पकाना पड़े तब जाके ये सॉफ्ट बनता है। उसके बाद इसमें जो मसाला का क्वांटिटी है वो भी बहुत थोड़ा दिया हुआ है जिससे आपका नूडल उतना टेस्टी नहीं बनता, आपको बाहर से मसाला सॉल्ट और भी कुछ वेजिटेबल ऐड करना पड़ता है तब जाके ये खाने लायक होता है। पर अभी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया है और प्राइस एकदम डबल 10 रुपीज़, पर इसका क्वालिटी बरकरार रखना चाहिए था भले ही इसका प्राइस बढ़ जाए ताकि जो हम जैसे जो इसे कस्टमर्स हैं वो बने रहे। इससे ग्रीन साइन ये सिग्निफाई करता है कि जो वेजिटेरियन है वो इसे खा सकते हैं और नॉन वेज इसे डेफिनेटली खा सकते हैं। इसमें कुछ कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जिसे मैंने फॉलो भी किया हुआ है। टेक 100 ग्राम इजी चाउ चाउ इन अ पैन एंड पोर 3 to 4 कप्स वाटर। आपको ये चाउमीन लेना है, उसमें 3 से 4 कप पानी डालना है। बॉयल इट फॉर 1 to 2 मिनट्स। नो, मुझे नहीं लगता 1 to 2 मिनट्स में पकता है, मेरे लगभग आपको 10 मिनट रखा था तब जाके ये पका था। और ऐड योर फेवरेट वेजिटेबल विद द बॉयल चाउ चाउ एंड फ्राई इन अप एंड एडिंग इजी मसाला टेस्ट मेकर एंड सॉल्ट। मसाला इंग्रेडिएंट्स में जो है वो ये कि सॉल्ट, साइट्रिक एसिड, शुगर, स्पाइसेस, अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर जो बेसिस होता है। तो इसका मसाला मुझे इतना खास पसंद नहीं है, आपको बाहर से बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत कम मसाला दिया हुआ है जिससे उतना टेस्टी नहीं बनता है। सो ये इस प्रोडक्ट का रिव्यू था फ्रेंड्स। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।